हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम एक गेटेड सोसाइटी प्लुमेरिया गार्डन एस्टेट की विजिट के लिए जा रहे हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन सेक्टर में सिचुएटेड है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग अभी गेट से एंट्री कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बेसिकली इस प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए, जिस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में टेनिस कोर्ट अवेलेबल है, एक बास्केटबॉल कोर्ट भी अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी ग्रीन एरिया अवेलेबल है और काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे। ग्रीनरी भी बहुत बढ़िया है, अपार्टमेंट्स भी काफ़ी अच्छे बेहतरीन बने हुए हैं। मोस्टली अगर अपार्टमेंट्स का अगर हाइट देखें तो यूजुअली आप देख पा रहे होंगे कि कम से कम 15 फ्लोर के अपार्टमेंट्स हैं, अंदाजतन मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका क्लब एरिया है, काफ़ी बड़ा और बेहतरीन क्लब है। आज मैं आफ्टर द विजिट ऑफ द अपार्टमेंट मैं इसका क्लब भी आपको विजिट कराने की कोशिश करूँगा। देखिए, और उस रोड से हम आ रहे हैं टूवर्ड्स दी ए टावर, टावर ए के लिए, और वही एंट्री गेट था हमारा। और यहाँ से आगे अगर आप देखेंगे, आगे फर्दर टावर्स के लिए रोड जाती है जो कि एक्सेस प्रोवाइड करती है अदर टावर्स को। देखें यहाँ पे पाम ट्रीज अवेलेबल है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। अगर आप वहाँ भी देखेंगे वो पाम ट्रीज हैं, इधर भी पाम ट्रीज लगे हुए हैं। और एक एमपी थिएटर इन्होंने प्रोवाइड किया है सेंटर में, जिसका एक बर्ड्स आई व्यू भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए, जैसा है, अब एक एमपी थिएटर तो नहीं कहेंगे इसमें, कुछ सीढ़ीदार कुछ ऐसा है नहीं, बड़े खाली गोल सा एक ओपन एरिया दिया हुआ है यहाँ पे। उसके चारों तरफ पाम ट्री प्लांट किए हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आपको कहीं ना कहीं गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आएगी, जहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। देखें, सुंदर लग रहा है ये। मैं थोड़ा सा वाइड एंगल पे लेके जाता हूँ इसको। और इसके चारों तरफ अपार्टमेंट्स हैं। आइए हम वापस नीचे की तरफ निकलते हैं यहाँ से। हम कोशिश ये करेंगे कि आज हम क्लब एरिया भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा, जो कि काफ़ी बड़ा क्लब एरिया है इस प्रॉपर्टी का, प्लुमेरिया गार्डन का। देखें, ये क्लब है जो तीन बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3। ये यहाँ का क्लब हाउस है। अब हम आपको क्लब के अंदर ले जाते हैं। वहाँ भी छोटे छोटे पाम ट्री प्लांट किए हुए इन्होंने, जो कि जब बड़े होंगे तो बहुत ही बेहद खूबसूरत लगने वाले हैं।
और ये आपका पूल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन तरह के पूल हैं, एक मेगा पूल सेंटर में है और एक छोटे छोटे पूल जो हैं इस तरह से, वो तीन साइड उन्होंने दे रखे हैं। एक ये हो गया जो हमारे एकदम फ्रंट में है, एक सेंटर में पूल है जो कि सर्कुलर शेप में दिया हुआ है, और एक कॉर्नर पे एक और पूल है जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पे एक पूल है। तो बेसिकली हॉर्स शू शेप में पूल दे रखे हैं यहाँ पे। छोटे छोटे ट्रीज और प्लांट किए हुए हैं लैंप्स के आसपास। आई एम टूवर्ड्स क्लब की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंदर से कि क्लब में क्या क्या अमेनिटीज प्रोवाइड की गई है। क्लब के पूल एरिया के साइड में बिल्कुल बगल में किड्स प्ले एरिया भी है छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो लोग अपनी एक्टिविटीज कर सकें और साथ ही साथ पूल का मजा भी ले सकें। देखिए ये पूल है जो कि कोविड के रीजन के कारण अभी बंद है। तो ये हमारा क्लब है, अब हम क्लब के अंदर जाते हैं। सो हम वहां से एंट्री हमने की है क्लब में, और क्लब के अंदर एक बड़ा सा हॉल में हम एंट्री करते हैं। और क्लब के एकदम एंट्री करने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन आ जाता है, एक छोटा सा गार्डन है गेट टुगेदर के लिए, और बीच में एक पैच है, वॉकिंग पैच या फिर वॉकिंग ट्रेल, जिससे इस गार्डन को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो एंट्री गेट से अंदर आती हुई रोड है जो कि सारे टावर को एक्सेस देती है। ये क्लब के साइड वाली स्ट्रक्चर बिल्डिंग, वापस चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं बाकी का क्लब एरिया। ये अपर फ्लोर का एक्सेस, और ये एक काफ़ी बड़े एरिया में इनके पास जिम मौजूद है। यूजुअली जिम इतने बड़े एरिया में होती नहीं है, बट अगर आप देख पाएंगे तो काफ़ी बड़े एरिया में ये जिम है और काफ़ी इक्विपमेंट्स अभी इनके पास पड़े हुए भी हैं। फुली एयर कंडीशनड ये जिम है, और ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस ये बंद है। अब हम चलते हैं आपके बैंक्वेट हॉल की तरफ। तो पुलमेरिया गार्डन के क्लब हाउस के अंदर आपको एक फुल फ्लेज्ड बड़ा हॉल मिलता है जो कि बैंक्वेट हॉल है। सो एक काफ़ी बड़ा बैंक्वेट हॉल आपको मिलता है, इसमें वेडिंग सेरेमनीज, एंगेजमेंट सेरेमनीज, बर्थडे पार्टीज आप कर सकते हैं। फुली एयर कंडीशनड ये हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है आप देख पा रहे हैं, और इसकी एक सेपरेट एंट्री दी हुई है जो कि अभी क्लोज है। इस टाइम पे जब ये बुकिंग के लिए जाता है तब ये आपका ओपन किया जाता है इस एंट्री को। साथ ही साथ आप कोई भी ओकेशन पे अगर आप इसको बुक करते हैं तो ये आपको गार्डन के साइड की एंट्री को भी ओपन करते हैं, और साथ ही साथ ये आपकी ग्रैंड एंट्री जो आपकी लॉबी की तरफ से होती है उसको भी ओपन करके देते हैं। सो ग्राउंड फ्लोर पे यही स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चर के अंदर यही फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बाकी हम आगे चलते हैं और आपको बाकी की चीज़ें भी दिखाते हैं। सो अब हम अपर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पर अवेलेबल क्या क्या अम्यूनिटीज़ है वो हम जाके देखेंगे। तो अब हमारी जो एंट्री होती है फर्स्ट फ्लोर पे वो एक बड़े से एरिया में होती है जो कि एक लॉबी टाइप का स्ट्रक्चर है, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी के नाम पे इन्होंने एक टेबल टेनिस रखी हुई है, और कम्प्लीटली वुडन फ्लोर इसकी फ्लोरिंग है। इस तरफ इन्होंने इंडोर बैडमिंटन कोर्ट रखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। एक योगा रूम है, कोविड के चलते इन्होंने सब कुछ अभी बंद किया हुआ है। ये बिलियर्ड्स रूम है, इसको भी अभी बंद किया गया है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। पूल रूम है, सॉरी नॉट बिलियर्ड रूम, पूल खेलने की फैसिलिटी, नाइन बॉल जिसे हम नाइन बॉल भी कहते हैं अवेलेबल है यहाँ पे। आइए उस तरफ चलते हैं, और एक बहुत ही बड़ा हॉल है, आई डोंट नो इसका क्या पर्पस है, बट एक बहुत बड़ा हॉल है फर्स्ट फ्लोर पे।
जो कि काफ़ी ओकेजन्स के लिए यूज़ किया जाता होगा। ये एयर कंडीशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और ये यूनिट जो है फर्स्ट फ्लोर पे, जो ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये गार्डन को फेस करती है और वही ये रोड है जो कि बाकी अपार्टमेंट को एक्सेस देती है यहाँ पे। अब हम बाकी एमिनिटीज़ और सर्विसेज देख लेते हैं। जिस पूल की मैं बात कर रहा था, एक बार आपको मैं इस हाइट से दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। कुछ इस तरह से दिखता है ये पूल। वहाँ पे भी किड्स प्ले एरिया है। देखें, बेसिकली हॉर्स शू स्ट्रक्चर पे बनाया हुआ है और एक ग्रैंड पूल है, उसके साथ में दो छोटे छोटे पूल और हैं, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट हैं और बाकी उसके चारों तरफ आपके अपार्टमेंट्स हैं। आइए अब हम चलते हैं। अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से। हम जिस एरिया जगह से क्लब में एंट्री किए थे, हम वहाँ से एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं, हम एकदम फ्रंट से एग्ज़िट कर रहे हैं। मैं एक बार आपको घूम के दिखाऊंगा कैसा दिखता है। और हम उसी रोड पे आ गए हैं जो कि पूरे प्रोजेक्ट को एक्सेस देती है, हर टावर को एक्सेस देती है। देखिए, हम इधर की तरफ निकले थे गाड़ी चला के और ये फ्रंट से एंट्री है इस क्लब की। देख पा रहे होंगे आप, चलिए हम आपको अब स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जो कि आउटडोर है, इंडोर तो मैंने आपको दिखा दिया है, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के अंदर क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे वो भी मैं आपको दिखा देते हैं। काफ़ी वाइड रोड है, तकरीबन 12 मीटर के करीब से ज़्यादा की ही रोड है ये, जो कि सारे अपार्टमेंट्स को एक सर्कुलर शेप में चारों तरफ से एक्सेस प्रदान करती है। तो देखिए, ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट है। खैर आजकल इतनी गर्मियां हैं तो इस टाइम कोई अभी खेल नहीं रहा है और कोविड के रीज़न के कारण ये ऑपरेशनल भी नहीं है इस टाइम, बट आप देख पा रहे हैं ये बास्केटबॉल कोर्ट है, फुल साइज बास्केटबॉल कोर्ट अवेलेबल है प्लमेरिया गार्डन के अंदर। कोई एरिया का कोई आप कह सकते हैं कि लैंड जो इन्होंने यूज़ की उसमें कोई कंजूसी नहीं की है उन्होंने सर्विसेज और क्या कहते हैं आपको एमिनिटीज़ देने में। एक छोटा सा बैडमिंटन कोर्ट भी इन्होंने रखा है यहाँ पे आउटडोर, इसमें नेट अभी नहीं लगी हुई है। ये पोल है, ये आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट है और ये दूसरा एक और बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पे। आप अपनी नेट ला के इस पर लगा सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेट लगवाएं और इसको ऑपरेशनल करें, बट कोविड रीजंस के कारण ये अभी बंद है। और ये है यहाँ का टेनिस कोर्ट, जो कि कॉन्क्रीट पे बना हुआ है, कॉन्क्रीट कोर्ट है, इसको हम सिंथेटिक कोर्ट नहीं कहेंगे, इस जगह से इसकी एंट्री है। ये टेनिस कोर्ट है, काफ़ी धूप है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी है तो कॉन्क्रीट एकदम शाइन कर रहा है एकदम। सो देखिए, ये पूरा कॉन्क्रीट की इस्टेब्लिशमेंट है टेनिस कोर्ट की। ये आपका नेट है जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, लोग यहाँ पर बहुत ही कम आते हैं ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस इन दिल्ली NCR। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखता है। राइट साइड से हमने यहाँ से एंट्री की है। कंक्रीट होने के कारण ये काफ़ी वाइट लाइट एमिट कर रहा है नीचे से, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। काफ़ी ट्रीज प्लांट कर रखे हैं, काफ़ी ग्रीनरी है कोर्ट के चारों तरफ और इसको एक ग्रीन नेट से कवर करके रखा हुआ है। ये हमारा गेट है, इसी गेट से हमने एंट्री की है। ये गार्ड पोस्ट है। तो यहाँ पे हमारा प्लमेरिया गार्डन का वॉक थ्रू कंप्लीट होता है। होप आपको अच्छा लगा हो,
यहाँ पे अपार्टमेंट्स काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, 3, 4 and 4+1 जिसमें प्लस वन में सर्वेंट रूम आता है में अवेलेबल है। काइंडली फॉर द प्राइस आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं डिटेल्ड प्राइस। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं पुलमेरिया गार्डन से। आप ये देख पा रहे हैं कि हम एग्ज़िट रोड पे हैं इस टाइम। थोड़ी थोड़ी आपको जेपी ग्रीन्स के कुछ टावर की आपको ये एक झलक देगा जिस तरह से बना हुआ है, बट उतना अच्छा नहीं बोलूँगा मैं जेपी ग्रीन्स के कंपैरिजन के लाइक। थोड़ी थोड़ी कमियाँ दिखी और थोड़े गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स हर प्रोजेक्ट में होते हैं, बट इसका जो सबसे अच्छा यूएसपी है कि इसमें टावर्स को एक्सेस करती हुई रोड बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है इन्होंने। अगर आप देख पाए कितनी क्लीन और सुंदर रोड्स हैं इनकी, इस प्रोजेक्ट की, और एकदम बेहतरीन तरीके से इन्होंने लेआउट इसका रखा हुआ है। देखिए अब हम एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट से एग्ज़िट करेंगे। काफ़ी पेड़ पौधे काफ़ी बढ़ चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि छोटे छोटे पौधे जब इन्होंने लगाए होंगे 5-6 साल पहले तो वो बहुत छोटे रहे होंगे। अब तो एकदम बेहतरीन प्रोजेक्ट ही निकल गया है। कितनी ग्रीनरी, इतनी खुली रोड्स आपको मिल रही है और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में ग्रेटर नोएडा के अंदर ओमिक्रॉन 3 सेक्टर में।